हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स, लेकिन एक इंट्रो के बाद। हमने ऑर्गेनाइजर बॉक्स पहले भी बनाया था, बट इसमें और उसमें बहुत फर्क है, तो उस फर्क को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं इस बॉक्स के साथ। अब इस बॉक्स को मैं मैजिकली ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दूंगी। टडाम, देखा मैजिक। अब मैंने यहाँ पर जॉनसन बेबी पाउडर लिया है, लगाने के लिए नहीं, आउटलाइनर बनाने के लिए और घर पे सस्ता सुंदर टिकाऊ आउटलाइनर। तो यहाँ पर मैंने एक कप जॉनसन बेबी पाउडर लिया है और उसमें मैंने लगभग आधा कप से थोड़ा ज्यादा ग्लू मिक्स किया है। बेसिकली हमको मेहंदी वाला कंसिस्टेंसी चाहिए। आप इसका रेशियो 2:1 के हिसाब से याद रख सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब मैंने यहाँ पर पूरा एक बॉटल गोल्डन एक्रेलिक कलर मिक्स कर लिया है इसमें, क्योंकि मुझे एक गोल्डन आउटलाइनर चाहिए था। उसको मैंने एक जिपलॉक बैग में डाल के अपना कोन बनाया है। अच्छे से पैक करने के बाद मैंने रबर बैंड से भी उसको सिक्योर कर लिया ताकि वो कहीं और से लीक ना करे। मैं एक कॉर्नर में ग्लास मिरर डाल के उसके चारों तरफ अपना डिजाइन बनाने वाली हूँ। मुझे यहाँ पर इनिशियली लगा कि ये थिकनेस सही रहेगा, बट बाद में जब मैंने इसको यूज किया तो वो थोड़ा सा फ्लो हो रहा था। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि बनाया हुआ पेस्ट थोड़ा सा थिक रहे, लेकिन सूखने के बाद ये भी अच्छा लगा। मैंने पहले आउटलाइनर से सारे डिजाइन्स बना लिए और उसके बाद टोन्स और मिरर से बाकी का डेकोरेशन किया है। ये मैं ना अपने भाभी के लिए बना रही थी, उनको गिफ्ट करने के लिए, तो मैं इसको पर्सनलाइज्ड बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें उनका नाम लिख दिया है। आप चाहें तो इसमें कुछ और डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने स्टोन के हेल्प से बाकी के डेकोरेशंस किए हैं। इसमें यूज किए गए सारी चीजें आपको किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप में बहुत आराम से मिल सकता है। और हाँ, आई बटन पे ना मैं अपने कुछ और क्राफ्ट वर्क भी लिंक करने वाली हूँ, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद उसको भी जरूर देखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ना और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहे तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पूरा बनने के बाद मेरा बॉक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा था।
और सच बताऊं, मेरी भाभी को तो ये बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने इस तरीके के दो बॉक्स बनाए थे मेरे दो भाभियों के लिए। मैंने तो उन्हें गिफ्ट कर लिया। और आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इस तरीके का ज्वेलरी बॉक्स या फिर ऑर्गेनाइजर खुद ही बना के गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट वर्क पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।